Hey, what's up, क्या हाल चाल? Once again, welcome back to Renew Channel, Agri Updates and this is Prabhat. I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे. तो पिछले काफी दिनों से I received a many request about GBPUT video. So finally, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ऑफिशियल अपडेट्स को लेकर. लास्ट टाइम मैंने वीडियो बना के आप सभी को एक प्रोफॉर्मा बता दिया था कि एग्जामिनेशन कब कैसे होने वाले हैं. सो आज मैंने ऑफिशियली वहाँ के जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे बात की हुई है अबाउट एग्जामिनेशन अपडेट्स, जिसमें उन्होंने मुझे ऑफिशियली एग्जाम की डेट और एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के बारे में एक्सप्लेन किया है. प्लस इस साल क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं. लाइक बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर वहाँ पे क्या चेंजेस होने वाले हैं या हमारा फी क्या होने वाला है, किस कोर्सेस में कैसे एडमिशन मिलेगा. इन सब टॉपिक पे हम लोग आज की वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बता दूं कि एग्री अपडेट पिछले लगातार 5 सालों से एग्री अपडेट्स पंतनगर की हर वो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को ऑफिशियल रूप से सबसे पहले देता आ रहा है. सो फाइनली आप सभी को 24 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल पे लगातार कंटिन्यूसली मिलती रहेगी. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस किस कोर्सेस में एडमिशन आप सभी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होंगे. तो देखो बीएससी एग्रीकल्चर, बीवीएससी वेटनरी साइंस, ठीक है, होम साइंस, फिशरीज और हमारा बीएससी फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन कोर्सेस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होंगे. बाकी जो बीटेक के कोर्सेस हैं इसमें आपका जेईई मेंस का स्कोर लिया जाएगा, वो भी यूट्यूब काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है. इतना आप सभी को पता होगा. एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, जो भी बच्चे 12th पास आउट हैं मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, वो इन सारे कोर्सेज में डायरेक्टली एलिजिबल हो सकते हैं. अब हम लोग ऑफिशियली बात करें, वहाँ के एक एम्प्लॉई हैं, डिपार्टमेंट में है और इनका काम है नोडल ऑफिसर के तौर पे. तो इनका एक अपडेट है कि आफ्टर 20th यानी कि होली तक इन्होंने मुझे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया है कि टिल एबव होली, यानी कि होली जो हमारा फेस्टिवल आने वाला है उसके आसपास हमारे एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों के लिए ओपन कर दिए जाएंगे, जो कि कंप्लीट अप्रैल मंथ तक फिलअप किए जाएंगे. यानी कि पूरा अप्रैल का महीना आपके पास रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है. दूसरी चीज एग्जामिनेशन को लेकर उन्होंने बताया कि हमारा जो जून का सेकेंड वीक है, ठीक है, 5 जून इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट हमें बताई, टेंटेटिव डेट 4 को PG का और 5 को UG का. हालांकि देखो अभी तक ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से और पिछले काफ़ी सालों से वहाँ पे अपना एक जो रिलेशन बन चुका है उस बेसिस पे जो मुझे सोर्सेस के थ्रू अपडेट मिली कि 4 जून को, यानी कि 4 जून 2024 को पीजी और पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तराखंड के तमाम सेंटर, जिसमें देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, इन सब सेंटर पर एग्जामिनेशन होंगे, और 5 जून को यूजी कोर्सेज के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तराखंड के तमाम सेंटर पे कराया जाएगा. एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो यहाँ पे पेड सीट पे अदर स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल हैं. तो जो बच्चे अदर स्टेट से, यानी कि जो आउट ऑफ उत्तराखंड के बच्चे हैं, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट के जो बच्चे मुझे वॉच कर रहे हैं उनको बता दूं कि आप भी पेड सीट पे डायरेक्टली एडमिशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ स्कोर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि फी स्ट्रक्चर क्या है, ये मैं सब कुछ पिछले वीडियो कमेंट के बेसिस पे आपका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है. तो आपको फी स्ट्रक्चर बता दूं, ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और फिशरीज और कम्युनिटी साइंस के लिए जो एक साल की एक सेमेस्टर की फी है वो हमारी है टोटल 32,000 रुपए. वेटनरी साइंस में अप्रॉक्स 75,000 है. इसके अलावा बीटेक एक्सेप्ट जो कोर्सेस है उसमें 37 है. पीजी में हमारा फी 37,000 है, ठीक है, एक्सेप्ट सम कोर्सेस. एमटेक में हमारा फी 27,000 है. एमबीए की फी 24,000 है, जो कि ये पर सेमेस्टर के बेसिस पे है. यानी कि आपका एक सेमेस्टर जिसमें हमारा मेस चार्ज वगैरह इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है, जो आप खाना खाओगे मेस चार्ज वो अलग से देना पड़ता है, बाकी हमारी एकेडमिक फी इन सब में इंक्लूड रहेगी. इसके अलावा जो बच्चे आउट ऑफ उत्तराखंड है, ठीक है, उनको अलग से पेड सीट का फी देना पड़ता है. जो पेड सीट की फी होती है वो कुछ ज़्यादा होती है. जैसे अगर आप बीएससी एजी में अदर स्टेट से एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. इसी प्रकार से एमबीए में 3,25,000 रुपये, बीटेक फूडटेक में 1,00,000 रुपये, बीटेक बायोटेक में 50,000 रुपये, फिशरीज में 50,000 रुपये, ये फीस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है. तो जो बच्चे अदर स्टेट के हैं
वो पेड सीट की फी के साथ रेडी रहेंगे, उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, उनको एक मौका मिलता है। इसके अलावा कट ऑफ वगैरह को लेकर आपको वीडियो चाहिए कि पिछले साल का क्या रिकॉर्ड रहा ऑन पेड सीट ऑन फ्री सीट, सब कुछ अपडेट्स आपको हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू देते रहेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एक मैं फिर से बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर 20 मार्च, जो कि पूरा अप्रैल महीना आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जामिनेशन की डेट ऑफिशियल जो टेंटेटिव डेट होने वाली है वो 4 जून को पीजी पीएचडी की, 5 जून को यूजी की होगी, एज अ टेंटेटिव ऑफिशियल डेट मैं बता रहा हूँ। हालांकि ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते के बाद आपको ऑफिशियल डेट पता चल जाएगा। ये एक टेंटेटिव डेट है अकॉर्डिंग टू जे बी प्यूटी इज एम्प्लॉय। तो अभी आप इसे ऑफिशियल मत मानो, लेकिन फिर भी आप समझो कि इसी के आसपास हमारा सब कुछ होने वाला है। ठीक है भैया, चलिए तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, एंड होप कि आप लोग अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे हो पाओ। एक और बात कि यहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस को लेकर बहुत डाउट रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वो अपडेट दे रखा है। सिलेबस को लेकर एक प्रॉपर वीडियो में बनाने वाला हूँ ऑफिशियल सिलेबस के साथ, कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आपसे पूछे जाते हैं, 11, 12 दोनों का सिलेबस रहता है, कहाँ से क्या पढ़ना है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जैसे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं वो कैसे प्रिपेयर करनी है, ये पूरी वीडियो मैं वहाँ के कुछ बच्चों को लाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और आपको बता देंगे। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। देखते रहिए एग्री अपडेट्स के साथ, क्योंकि एग्री अपडेट्स उत्तराखंड के पंतनगर के बच्चों के लिए एक ट्रस्ट है अपना, उनके साथ कनेक्शन है जो काफी पहले से अबव बिफोर 5 ईयर बिल्डअप हुआ है। सो आई होप कि हम लोग उसे आगे मेंटेन करके रखेंगे, एंड थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो देखा। चलिए मिलता हूँ आपसे इस नए वीडियो में सिलेबस की वीडियो के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।